आज हम सब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नया चैप्टर पढ़ेंगे। इक्वेशन अर्थात समीकरण, इसके विषय में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। इन मैथमेटिक्स एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट दैट असर्ट्स द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। दो एक्सप्रेशन के बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी लगा होता है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। कुछ एग्जांपल्स हमने लिख दिया है, 3x + 5 इज इक्वल टू 0, ये LHS है, और ये 0 हमारा RHS मैंने राइट हैंड साइड, ये साइन ऑफ इक्वलिटी है। x यहाँ वेरिएबल है, 5 और 3 हमारे कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। 2x + 7 इज इक्वल टू x + 3 हो, या x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0, 2x² + 2x + 9 इज इक्वल टू 3x² + 7, ये सब इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप पढ़ लिए हैं। अब आता लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसे आपने क्लास 9th में पढ़ा है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली ए सिंगल वेरिएबल ऑफ डिग्री या पावर जिसको कहते हैं डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें जो वेरिएबल टर्म, यहाँ x हमारा वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, यहाँ लिखा नहीं है, a और b ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ x हमारा वेरिएबल है, चर है, और इसका पावर 1 है, इस नाते लीनियर हुआ, तो ax + b इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कुछ और एग्जांपल जैसे लिखा, 3x + 5 इज इक्वल टू 0, 2x + 5 इज इक्वल टू x + 1, ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो वेरिएबल, तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स ईच ऑफ डिग्री 1, दो वेरिएबल हो, प्रत्येक की डिग्री यानी पावर 1 हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म है वो है ax + by + c इज इक्वल टू 0। यहाँ abc ये हमारे रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट भी इनको कह सकते हैं। एक्स और वाई ये दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, इसके लिए कंडीशन है कि ए और बी दोनों की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू शून्य हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रह जाएगा। ये जनरल फॉर्म एग्जांपल्स इसके देख सकते हैं, 2x + 3y इक्वल टू 5, x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0, x/4 - y/3 इज इक्वल टू 5। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट को। एक बात और है, इसका सोलूशन क्या होता है, सोलूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो हमारा इक्वेशन होता है उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं, तो एक्स और वाई के जिस मान के लिए LHS RHS के बराबर हो जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, वो एक्स और वाई का मान उस इक्वेशन का सोलूशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, x + 2y = 4, इसमें हमने x की जगह 2, y की जगह 1 रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, और सिंप्लीफाई किया 4 आया, RHS में भी 4 आया, तो इस तरह से x = 2 और y = 1 इसका सलूशन हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, 2x + 3y = 5, इसमें हमने एक्स की जगह 1, वाई की जगह 7 रखा, तो LHS में हमारा जो प्राप्त हुआ वो वैल्यू आ गई 23, जब हमने एक्स की जगह 1, वाई की जगह 7 रखा, लेकिन RHS में राइट हैंड साइड में केवल 5 दिया है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि x = 1 और y = 7 इसका सलूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग आ रहा है। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होते हैं उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोलूशंस होते हैं। जैसे आपने इक्वेशन दे, इसमें एक्स और वाई के बहुत सारे मान मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अनंत हल मिलेंगे। अब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी जो आपने लीनियर इक्वेशंस
इन टू वेरिएबल देखा तो केवल एक ही इक्वेशन था। अब पेयर मैंने युग्म जोड़ा तो दो इक्वेशन लिखा गया, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पर एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन है, वह देखिए एक्स और वाई दो हमारे वेरिएबल हो गए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, तो ये पेयर हो गया दो इक्वेशन का। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, नाइन एक्स माइनस टू वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अभी देखिए लीनियर है क्योंकि एक्स का पावर वन वाई का पावर वन, यहाँ भी एक्स का पावर वन वाई का पावर वन, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, और पेयर इसलिए क्योंकि दो इक्वेशन यहाँ दिया गया है। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस का ग्राफ, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो अगर ये दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन खींचेंगे तो हमको दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जो दोनों स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसकी पॉसिबिलिटीज ये है कि या तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन जो हम खींचेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या ये हो सकता कि एक स्ट्रेट लाइन पर हमारे दूसरे इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन चले जाए, यानी कोइंसिडेंट जिसको कहते हैं संपाती। और तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि एक जो हमारी स्ट्रेट लाइन गई है दूसरे इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन उसके पैरेलल है, तो ये तीन स्थितियां हमको मिल सकती हैं। आज आपके लिए होमवर्क है, सिर्फ इसी को आप रिवाइज करेंगे।